अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में गेहूं को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को ये कहते हुए लौटा दिया कि भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तुर्की ने ऐसा राजनीतिक कारणों या भारतीय गेहूं के आयातक देशों में कॉरपोरेट कॉम्पिटिशन के कारण किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तुर्की को भेजे जाने वाले गेहूँ की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी और भारतीय कंपनी ITC लिमिटेड ने इसे नीदरलैंड स्थित एक कंपनी को बेच दिया था। ITC लिमिटेड के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ITC ने फ्री ऑन बोर्ड आधार पर एक डच फर्म को गेहूं बेच दिया, जिसने इसे एक तुर्की कंपनी को बेचा। साथ ही ITC और डच फर्म दोनों को गेहूं की खेप के लिए पैसे मिल गए हैं। यह एक राजनीतिक फैसले से प्रेरित लगता है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गेहूं में कोई मानव रोग पाया गया, लेकिन वो बीमारी फसलों में पाई ही नहीं जाती। ये आयात करने वाले देशों में कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता के कारण भी हो सकता है। वहीं भारतीय कंपनी के नाम को लेकर हुई गलतफहमी, कंपनी के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक दस्तावेजों में शिपर के कॉलम में ITC का ही नाम लिखा था, जिसे देखने के बाद कई लोगों ने ये मान लिया कि गेहूं से सीधे तुर्की को निर्यात किया गया था। साथ ही इससे पहले एक और अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि केंद्र सरकार को गेहूं की खेप लौटाने के बारे में सूचित किया गया है। हमें पता चलता है कि यह खेप ITC समूह से प्रति संबंधित है, साथ ही जो तुर्की को सीधे नहीं बेचा गया है। खेप को नीदरलैंड में स्थित एक खरीदार को वजन और गुणवत्ता की जांच के आधार पर बेचा गया था। साथ ही वहीं ITC अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या गेहूं की खेप वापस भारत आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब ये नीदरलैंड के खरीदार पर निर्भर करता है कि वो गेहूं को कहां बेचेंगे। साथ ही अधिकारी ने कहा कि जब इस गेहूं की खेप को नीदरलैंड की कंपनी को बेचा गया था, तब भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन अब भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद से गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कीमत बढ़ गई है, तो कंपनी अपने हिसाब से जिसे चाहे इसे बेचेगी। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने 56,877 टन भारतीय गेहूं की खेप को वापस कर दिया, क्योंकि तुर्की के कृषि और वानिकी मंत्रालय का कहना है कि गेहूं में रूबेला वायरस का पता चला है। ये गेहूं की खेप तुर्की को भारत द्वारा 13 मई को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के पहले भेजा गया था। बताया जा रहा है कि ये गेहूं मध्य प्रदेश से लिया गया था, जहाँ मैक्रोनी और पास्ता के लिए खास किस्म की गेहूं उपजाई जाती है। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि अगर गेहूं के आधार पर बेचा गया था, तो इसका मतलब है कि एक तीसरा पक्ष, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षक होता है, माल का निरीक्षण करके भर और गुणवत्ता पर फैसला करता है। वहीं एक ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि तुर्की जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही भारत से अलग थलग पड़ा हुआ है। वहीं तुर्की ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिए जाने को लेकर भारत का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि रूबेला इंसानों को होने वाला रोग है और ये अचानक फसलों में कैसे आ सकता है। साथ ही बता दें कि संदेह जताया गया है कि इसे देखते हुए गेहूं वापस करने का तुर्की का फैसला राजनीतिक भी हो सकता है। हालांकि एक निर्यातक ने कहा कि खेप में कुछ एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाने होंगे और ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। उनका कहना है कि तुर्की में गेहूं की भारी कमी है और वो केवल राजनीतिक कारणों से भारत के गेहूं को वापस नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।
झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।